हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। फोर्ड ने एट द एंड कर दिया टाटा बाय बाय। ठीक, जो इतना टाइम से चर्चाएं चल रही थी उसको आज स्टैंप लगा दिया। तो आखिर में ऐसे कोई कंपनी कैसे जा सकती है जिसने भाई अरबों रुपया लगा रखा है, और उसके जाने के ऐसे रीज़न कैसे बन जाते हैं? क्योंकि फोर्ड को यही माना जाता है भाई बिल्ड क्वालिटी में टॉप नॉच है और प्रोडक्ट में टॉप नॉच है, तो फिर ऐसे कैसे जाना पड़ा? इसके पीछे रीज़न जो है सॉलिड, वो आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप जानते हैं, जो भी कार ब्रांड हैं उनका सबसे बड़ा जो मैटर करता है, सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट होता है, वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट। गाड़ी बिकेगी उसके बाद आता है आफ्टर सेल, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट। मैं अपने फ्रेंड की कार लेकर गया था एको स्पोर्ट, उसको सर्विस कराने। आप भी जानते हैं फोर्ड की ऐसी इमेज बन गई कि भाई सर्विस जो है बहुत महंगी है। कुछ लोगों ने कहा कि खाली इमेज बनी है, ऐसा नहीं था। मैंने उस वीडियो में दिखाया था कितना महंगा खर्चा हुआ था, बहुत मोटी मोटी भारी भारी चीज़ें पैसों की, जो मतलब मार्केट में हमें या किसी और ब्रांड की 100 रुपये की मिल जाती तो फोर्ड की वो 700 से 800 की थी। मैंने उस वीडियो में बताया था, मैं उसको लेकर नहीं आ रहा। तो वो चीज़ हो गई थी सर्विस डिपार्टमेंट की, है ना। तो वो सर्विस डिपार्टमेंट का फॉल्ट था कि लोग थोड़ी दूरी बना लेते थे फोर्ड से कि भाई आफ्टर सेल बहुत महंगी है, उसे छोड़ देते हैं हम। अब बात आती है सेल्स की, जो सबसे पहला पड़ाव होता है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि पहले गाड़ी बिकती है। मैं उसके साथ गया था अपने फ्रेंड के साथ, जब तक गाड़ी सर्विस हो रही थी मैंने सोचा मैं वहाँ पर खड़ी हुई फोर्ड एंडेवर की एक वीडियो बना लूँ। तो अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इसकी वीडियो बनानी है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो अब उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? बनाने देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, डिस्प्ले पे ही तो लगी हुई है गाड़ी, सब लोग आके देख रहे हैं उसे, और खाली मैं एक वीडियो शूट कर लेता, बस सिंपल सी बात थी। अब वहाँ पर जो हुआ, मैंने उस दिन सही में बहुत बुरा लगा था मुझे, वहीं पर ही बैठ के पूरे इंसिडेंट की मैंने वीडियो बनाई थी और आज तक वो वीडियो रखी हुई है। मैं भाई मेमोरी इतनी शॉर्ट रहती है फ़ोन की, आप जानते हैं, मैं हर चीज़ डिलीट करता गया, वो मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वो दिन आएगा ज़रूर। मैंने सोचा था जब ये दिन आएगा, जिस दिन ऑफिशियली अनाउंस होगा, उस दिन मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगा। तो अब आप पहले ये वीडियो देख लो। आप इस समय मैं फोर्ड का जो शोरूम है हमारे यहाँ हल्द्वानी में पड़ता है पाल फोर्ड, उस पर आया हूँ। अब उस पर आया क्यों था, मेरे फ्रेंड की इको स्पोर्ट थी, उसकी सर्विस कराने आया था। अब सर्विस में टाइम लगना था, तो फिर यहाँ पर एक एंडेवर खड़ी थी, आपको दिखाता हूँ कौन सा एडिशन है। तो ये देख रहे हो, ये ऑल ब्लैक वाला जो स्पोर्ट एडिशन आया वो खड़ा है ये रहा सामने। तो कहानी बताता हूँ इसकी। तो अब मैंने इनसे बोला, मैंने कहा एक वीडियो बनानी है, जैसे मैं बनाता ही हूँ यार, है ना। और ये नहीं है, देखो 40 लाख रुपये की गाड़ी है, तो मैंने ये नहीं कहा कि भाई टेस्ट ड्राइव करवाओ, कुछ करवाओ, जस्ट ओवरव्यू जो होता है वॉक अराउंड चारों तरफ का वो था, और इंटीरियर एक्सटीरियर बस वही जैसे हम रिव्यू करते हैं वैसे ही। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप भी जानते हो, हालांकि मालिक का है, लेकिन जो कंपनी है, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारा फ्री का प्रमोशन चला जाए, पैसे नहीं मांगे फ्री में जस्ट। तो फिर अब इनके मैनेजर जो थे वो आए हैं, और उन्होंने ये बोला है सीधा कि नहीं सर, हम अलाउ नहीं करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा रीज़न क्या है, क्या क्यों अलाउ नहीं करते? कह रहे बस सर हमारे मालिक हैं, उनकी मर्जी है, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, हमारी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम मालिक से, ये वर्ड थे उनके, कि हम मालिक से ये पूछ सके कि क्यों नहीं यानी बनाने देते वो वीडियो। मैंने कहा मैं गाड़ी निकालने की नहीं कह रहा, जस्ट अंदर बाहर से जो हमारा काम है वो कर सकते हैं। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, नहीं सर स्ट्रिक्टली हम मना करते हैं, हमारी खुद की टीम है। मैंने कौन सी टीम है? कह रहे हमारे खुद फोर्ड वाले हैं, वो वीडियो बनाते हैं। अब ये चीज़ मैं एक्चुअली मेल डालने वाला हूँ, फोर्ड का क्या स्टैंड है इसके ऊपर, क्योंकि यार कहीं से भी अगर प्रमोशन मिले, हमारा भी कुछ काम है, आपका काम है, है ना। अभी जो कहानी इको स्पोर्ट का सर्विस हो रही है उसकी कहानी तो बताऊंगा मैं, है ना। और इन्हें यह पता होना चाहिए कि ऐसा एटीट्यूड अगर आपका है तो आप एक बार फोर्ड की सेल्स उठा के देख लो। इको स्पोर्ट के अलावा कोई गाड़ी नहीं बिक रही, चलो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आप सेल्स उठा के देख लो। जनवरी में 15% का डिक्लाइन आया है, सिर्फ 4,100 मतलब 4,100 गाड़ियाँ बिकी हैं, और सिर्फ इतना तो मतलब गाड़ी बिकने के बाद, इतनी मार्केट ख़राब होने के बावजूद अगर ये स्टैंड आ रहा है, कंपनी का नहीं कह रहा अभी मैं, कंपनी कोई नहीं चाहती, एंड आई एम श्योर कि मैं ये आगे वीडियो भेजूंगा कंपनी को, तो वो भी यही कहेंगे कि ये चीज़ गलत है, इतना यानी बिल्कुल ही दरकिनार करते हुए कि ना हमारा बहुत मार्केट है यहाँ पर। ये कहा 30% से ऊपर हम मार्केट लिए हुए हैं, पूरा कुमाऊँ हमारे अंडर है, ये मेरे को उन्होंने बताया, पूरा कुमाऊँ हमारे अंडर है, सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, कोई हमें प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं है, पाल नाम काफ़ी है, फोर्ड नाम काफ़ी है, ये चीज़ें बोली हैं। तो अब ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी, जबकि 15% अगर मार्केट, कुल 4,000 गाड़ी बिक रही हैं, तब यह हाल है। जबकि आप मारुति देखो, मारुति चलो वो ब्रांड ऐसा है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख गाड़ी बिक रही हैं। टाटा देखो कहाँ से कहाँ आ गई, इस समय 26,000 गाड़ी मंथ की बिक रही हैं। ह्यूंडई आप देखो, बिंदल ह्यूंडई मैं नाम लूँगा स्पेशली, ह्यूंडई वालों ने सेकेंड डे ही मुझे टेस्ट ड्राइव ऑफर करी, और
इतना ज़्यादा ऑब्लाइज था, मैंने खुद बोला भी था वो वीडियो में, ये होता है यार अपनी तरफ से, जबकि i20 को किसी ज़्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं है, नाम से बिकती है वो गाड़ी, फिर भी एक डीलरशिप लेवल का कितना ज़्यादा मैटर करता है वहाँ का व्यवहार, वहाँ का वो, आप ये देखें यहाँ पर नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, तो फोर्ड मैं भेजूँगा, ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार सही में सीरियसली मज़ा नहीं आया। अब आपको लग रहा होगा भाई तेरे को मना कर दिया तो तेरी ईगो हर्ट हो गई, तूने वीडियो बना दिया, क्या बड़ी बात है। भाई ऐसा नहीं है, बात ये नहीं थी कि मैं छोटा यूट्यूबर था, मैं बड़ा यूट्यूबर था। ह्यूंडई के लिए, जिसकी भाई अच्छी खासी सेकंड नंबर पे है मारुति के बाद सेल्स में, वो बहुत बढ़िया तरीके से वो करते हैं भाई, उनमें एरोगेंस आना चाहिए ना, मारुति में एरोगेंस आना चाहिए है? लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बात यह है, जो बड़ी कंपनियां यानी अपने स्टैंडर्ड हाईफाई रखने की सोचती हैं, वो ये सोचती हैं हम केवल प्रीमियम कस्टमर को ही डील करेंगे। जैसा आप देखिए, सबसे पहली गाड़ी जो उनकी फोर्ड की है वो फोर्ड फिगो, ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं, लेकिन जो पोर्टफोलियो है वो भी प्रीमियम से स्टार्ट होता है भाई, 7.5-8 लाख रुपए की गाड़ी आती है। तो उन्होंने एक इमेज ही अपनी ऐसी बना ली, और अपनी डिग्निटी की मेंटेन करनी है हमने, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें भी ऐसा एरोगेंस सा आ जाता है जो कि शो होने लगता है, जो कि वहाँ पर भी जब मैंने वीडियो बनाई वो चीज़ शो हो रही थी। अब किसी के भी अंदर अगर एरोगेंस आएगा तो आप समझते हैं वो बर्बादी की तरफ ही लेकर जाता है। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपना जो अंदर था वो मैंने एक वीडियो बना ली, और मैंने सिर्फ वेट किया। आज 7 महीने हो गए और 7 महीने बाद आज ये मौका मिल रहा है। ऐसे ही और भी कंपनीज हैं, आप खुद समझते हैं। अगर निशान के जाने की बात होती है, निशान का कब से चल रहा है कि भाई जाएगी जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी ईगो को मेंटेन किया कैसे, डैटसन ब्रांड निकाल के। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं हम अपने नीचे नहीं करेंगे भाई, उन्होंने डैटसन ब्रांड निकाला। डैटसन ब्रांड जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के कस्टमर थे, कम बजट वाले थे, उनके लिए रखा उन्होंने, जिससे उनकी भी एक इमेज बनी रहे, अगर अफसर बाबू हैं वो बने रहे, लेकिन साथ के साथ वो ये जाने कि भाई रोटी पानी भी चलनी है हमारी, सिर्फ अकड़ी सब कुछ नहीं होती। ये भी आप कह सकते हैं कि निशान को रेनो का सहारा है, दोनों का अलायंस है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो चीज शेवरले के साथ हुई थी उस चीज से इन्होंने सीख नहीं ली फोर्ड ने, और ना ही ध्यान दिया अपने एम्प्लॉयज की तरफ। मैंने इस चीज की कंप्लेन की थी फोर्ड की तरफ, और मैंने ये कहा, मैंने उन्हें पूरी वीडियो भी भेजी। उन्होंने बोला सर पूरी ओनर की मर्जी है, वो चाहें तो आपकी एंट्री पर भी बैन लगा सकते हैं, चाहें उनकी मर्जी के बिना आप शोरूम में भी एंटर नहीं कर सकते, वो उनकी प्रॉपर्टी है, उन्होंने ये बोला। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर तो फोर्ड नाम क्यों है वहाँ पर, उस जो शोरूम है उन्हीं का नाम लिख दीजिए, आपकी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कहें नहीं सर ये सब कुछ ओनर के ही हाथ में, उन्होंने ये बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग ये वीडियो देखते, आप कहते भाई इसको फोर्ड की तरफ भेजते, मैंने वो चीज़ भी कर दी सब कुछ, लेकिन उनका भी रिप्लाई यही था। मैं समझ गया था ये चीज़ इनके DNA में है, और बस कुछ नहीं होने वाला, जो आज के दिन हुआ है वही होने वाला था। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ इस चीज़ से, ये चीज़ दिख गई थी, लग गई थी। तो चलो ये पर्सनल चीज़ें तो हो गई एक तरफ, अब आती है बात कि भाई जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका क्या होगा। उनका कोई दिक्कत नहीं होनी, जो वारंटी होती है या आफ्टर सेल होती है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मजबूरी हो जाती है फोर्ड के लिए। अब इसको रीस्ट्रक्चर नाम दे रहे हैं वो, कि हम अपने ऑपरेशंस को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कुल मिला के बंद कह देंगे तो भाई हाहाकार मच जाएगी लोगों में, वैल्यू ना गिरे उनकी, अपने भी कहते हैं गिरे तो भी टांग ऊपर, तो इसीलिए रीस्ट्रक्चरिंग नाम दे रहे हैं इसे। केवल जो वहाँ से विदेश से बन के आएंगे बाहर से, वही प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसे जो फोर्ड मस्टैंग है वो इस टाइप से होगा। जो एग्जिस्टिंग है उनको सर्विस देनी पड़ेगी, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आफ्टर सेल देना, जिन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है उनको भी देना पड़ेगा। और जैसे शेवले वालों ने बताया था कि हम 5-7 साल कुछ सर्विस देंगे, वैसे इनका भी होता है, धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं सर्विस सेंटर, और फिर 8-10-12 साल बाद पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरह से रहेगा सिस्टम, और अब जैसा होना है होना है। अब भी वक्त है फिलहाल बाकी कंपनीज को भी सबक लेने की ज़रूरत है, कि मारुति को अगर ये कहा जाता है या ह्यूंडई को ये कहा जाता है कि भाई सेफ गाड़ी नहीं है, या फिर जो गरीबी तबका है, निचला लोअर मिडिल क्लास है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो भाई आप ये भी चीज़ देखो, वो हर किसी को बराबर तरीके से वैल्यू करते हैं, वहाँ ऐसे फिल्टर नहीं करते कि भाई हायर क्लास को ही हम ट्रीट करेंगे जैसा बाहर की कंपनीज करती हैं, उस टाइप का नहीं, इसीलिए सक्सेसफुल भी हैं। तो बाकी कंपनीज जो हैं जिन पर बादल मंडरा रहे हैं वो भी देखें, इस चीज़ से सीख लें। और आपकी क्या राय, आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज़ को कर बताना जरूर। ये भी कह सकते हो पर्सनल ग्रस्त था, लेकिन जो भी है मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपके क्या रिएक्शन है बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जय हिंद।